हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रवि राठौर। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं गया हुआ था बाहर शादी में। मेरे फ्रेंड की शादी थी, उसकी शादी अटेंड करने हम लोग बाहर गए हुए थे। तो काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो बन रही है। और जैसा कि मैंने बताया था कि मैं क्लब फैक्ट्री से रिलेटेड आपके सारे कन्फ्यूजन दूर करूँगा। हर वीडियो में आपको बना के बताऊँगा, क्लब फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी मेरे पास अपडेट होंगे उसकी मैं वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगा। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्लब फैक्ट्री द्वारा जो हमें रिफंड मिलता है ना, जो हमने प्रोडक्ट वापस करते हैं, उसका जो पेमेंट होता है वो हम हमारे पेटीएम अकाउंट और हमारे बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे या उसे विड्रॉ करेंगे। तो ठीक है, आज की वीडियो हम आपको इसी टॉपिक पर बताने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और इसको ध्यान में रखते ही आप क्लब फैक्ट्री के जो प्रोडक्ट है उसे ऑर्डर कीजिएगा। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बता देना चाहूँ कि अगर आप कोई प्रोडक्ट रिटर्न करते हैं तो उसका आपका पूरा पैसा वापस नहीं किया जाता। मान लीजिए आपको 1000 का प्रोडक्ट है तो सिर्फ आपको उसमें से 900 रुपया दिया जाएगा, 100 रुपया 99 रुपया उसका चार्ज काट लिया जाता है। किसी भी प्रकार का अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं तो आप जब उसे रिटर्न करते हैं तो आपका 100 रुपये 99 रुपये चार्ज काटा जाएगा, 100% का काटा जाएगा ये चार्ज। क्योंकि जब वो लेने आते हैं तो उनकी कोई प्रोसेस रहती है, उनकी कोई पॉलिसी है जिसके ज़रिए ये पेमेंट काटा जाता है। तो आप बिल्कुल इस बात को ध्यान में रखते हुए अपना जो क्लब फैक्ट्री का प्रोडक्ट है उसे ऑर्डर कीजिए कि यार अगर हमें प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, चाहे वो कितने भी रुपए का हो, आपका जो प्रोडक्ट है वो अगर आपको पसंद नहीं आया और अगर आप उसे वापस करना चाहते हैं तो आपका उससे चार्ज काटा जाएगा। यानी कि अगर आपका 500 रुपये का है तो आपको 400 कुछ समथिंग आपको पैसे मिलेंगे जो कि आपको अपने क्लब फैक्ट्री के ऐप के बैलेंस में मिलेंगे। यानी कि जो आपको पैसा मिलेगा वो आपको यूएस डॉलर के ज़रिए मिलेगा, यानी आपको डॉलर के रूप में वापस किया जाता है। उसके बाद आपको उसे पेटीएम में ट्रांसफ़र करना होता है या अपने बैंक अकाउंट में, तब जाके वो इंडियन रुपये में कन्वर्ट ऑटोमेटिक हो जाता है। ये प्रोसेस होती है। तो इसे कैसे करना है, आपको अपने पेटीएम अकाउंट में किस तरीके से ट्रांसफ़र करना है या अपने बैंक अकाउंट में किस तरीके से इसे ट्रांसफ़र करना है, सारी प्रोसेस बताने वाला हूं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम की है तो ही इसे आप पूरा देखिए, नहीं तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। कुछ लोग होंगे जो कि स्किप करेंगे। अगर आपको बिल्कुल बारीकी से समझना है तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। हो सकता है वीडियो लंबी हो क्योंकि मैं अभी खुद इसे चेक करने वाला हूँ और आपको पूरी जानकारी ए टू जेड देने वाला हूँ कि क्या क्या प्रोसेस होती है पेमेंट रिटर्न करने की, अपने अकाउंट में डालने की। तो थोड़ी सी वीडियो अगर लंबी हो सकती है तो बिल्कुल इसे देखिए, क्योंकि अगर आप क्लब फैक्ट्री के प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं वीडियो की सारी प्रोसेस आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन में दिखाने वाला हूँ। आप बिल्कुल इसे बारीकी से समझिए और देखिए कि किस तरीके से आप अपने क्लब फैक्ट्री का पेमेंट है वो अपने पेटीएम अकाउंट और अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो फटाफट से आपको बता देते हैं, तो बिल्कुल आप बारीकी से समझ लीजिएगा। चलते हैं हमारे क्लब फैक्ट्री ऐप पर, जो हमने ऐप ओपन की। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट का जो पेमेंट है उसे अपने अकाउंट या पेटीएम में कैसे ट्रांसफ़र करना है सारी प्रोसेस बता दूंगा मैं। तो यहाँ पर आपको अपने अकाउंट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर एक रिफंड लिखा हुआ होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट की सारी जानकारी दिख जाएगी जो आपने वापस किया है। ठीक है, तो ये देखिए ये शूज़ हमने वापस किए थे, इसकी हमें सारी ए टू जेड जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले अगर हम देखना चाहें तो व्यू रिफंड डिटेल, इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर सारे इनके जो नंबर्स होते हैं, जो रिफंड नंबर है वो अलग होता है और रिटर्न नंबर जो है ये देखिए ऊपर आपको ऊपर नीचे अलग दिख रहे होंगे, ये दोनों नंबर है। अगर बात की जाए व्यू रिटर्न डिटेल की तो यहाँ पर आपको सारी प्रोसेस अभी आपको समझ में आ जाएगी। देखिए सबसे पहले आपका जो होता है अप्लाई करने का, जो कि आपको मोबाइल द्वारा अप्लाई करना होता है, उसका जो स्टेटस शो होता है। इसके बाद जब कोई लेने आता है जो क्लब फैक्ट्री का प्रोडक्ट जब वापस करते हैं लेने आता है उसका स्टेटस। थर्ड जो होता है डिलीवर, यानी जब क्लब फैक्ट्री का प्रोडक्ट वापस उनके पास पहुंच जाता है क्लब फैक्ट्री में तो ये उसका स्टेटस होता है। इसके बाद रिफंड, ये रिफंड आपको अपने जो क्लब फैक्ट्री का बैलेंस होता है वहाँ पर आपको शो होगा। और आपको एक जानकारी और बता दूँ, अगर आप नीचे आते हैं तो जो रिफंड समरी होती है यहाँ से आपको सारे प्रोसेस समझ में और भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट होता है उसका रिक्वेस्ट टाइम होता है, रिफंड चैनल, जो भी आपको शिपिंग मेथड जो होता है वो आपका सब। अब यहाँ पर आपको जो एक्चुअल रिफंड टोटल होता है वो 409 रुपये से होगा और 90 रुपये आपका काट लिया जाएगा। यानी कि हमारा जो
499 रुपये का प्रोडक्ट था, उसमें से 90 रुपये हमें माइनस कर कर 409 रुपये वापस दिए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ नीचे आपको एक रिफंड साइन मार्क दिख रहा होगा जो कि ग्रीन कलर का। जब आपकी रिफंड प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो जाती है, यानी आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है, तब जाकर ये मार्क आता है। तो मैं आपको आगे बताता हूँ कि वो आपको कैसे करना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बैक जाएं तो हमें यहाँ पर व्यू माय बैलेंस आपको दिख रहा होगा सबसे नीचे, इस पर आपको क्लिक करना है। ये देखिए, ये जो हमने क्लब फैक्ट्री से हमारा पेमेंट जब वापस हुआ था उसे हमने हमारे पेटीएम में ट्रांसफ़र किया था। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर जो विड्रॉ लिखा हुआ है, यहाँ पर ऊपर हमें जो हमारा पेमेंट था 5.77 यानी 5.77 US डॉलर ये हमें वापस किया गया था क्लब फैक्ट्री के जरिए, जो कि हमने विड्रॉल कर लिया हमारे पेटीएम अकाउंट पर। देखिए यहाँ पर विड्रॉल सक्सेस लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं विड्रॉ पर क्लिक करूँ तो आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको पहला जो होता है जब पेटीएम वाले ट्रांसफ़र होते हैं, जो कि आपके पेटीएम में आपको ट्रांसफ़र कर सकते हैं इसे। ठीक है, दूसरा आपको देख रहे हैं नीचे बैंक ट्रांसफ़र लिखा हुआ, यहाँ पर आपकी जो प्रोसेस होती है 1 से 7 दिन की होती है बैंक ट्रांसफ़र में। तो यहाँ पर अगर बैंक ट्रांसफ़र पर आप क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर आपको सारी डिटेल आपको फिल करनी होती है, अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, ईमेल, आईएफएससी कोड, मोबाइल नंबर। ठीक है, ये दो प्रोसेस, एक तो पेटीएम, दूसरा ये बैंक अकाउंट, इसके जरिए आप पेमेंट अपना अपने पेटीएम वॉलेट या बैंक पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ सबसे ऊपर अगर आपको कोने पर देख रहे होंगे तो 1 US डॉलर यानी 1 US डॉलर बराबर 71.68 पैसे, ये जो डॉलर रेट है वो चलता है। वैसे तो डॉलर रेट डेली चेंज होता है, तो अगर जो करंट का रहता है वो आपको यहाँ पर शो कर दिया जाएगा कि आपका 1 डॉलर बराबर कितना रुपये आपका बन रहा है। तो ये दो प्रोसेस है, ये आप यहाँ पर अपना पेटीएम या तो पेटीएम अकाउंट नंबर डाल दीजिए, यहाँ पर अपने बैंक की डिटेल सबमिट कर दीजिए। तो इस तरीके से आप इसे अपने पेमेंट ट्रांसफ़र आप इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर आपका जो पेमेंट ट्रांसफ़र 100% सक्सेसफुल हो जाता है तो ये आपको ग्रीन मार्क आपको यहाँ पर दिखाई देगा, इसके पहले आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अगर आपके अकाउंट में ही पेमेंट नहीं जाएगा तो यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं शो होगा। ये देखिए यहाँ पर आप डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं, ये पूरी प्रोसेस आपको दिखाई देगी। यहाँ से मैंने बताया कि कितना पेमेंट आपको एक्चुअल जो मिलेगा वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं रिफंड समरी में से। ठीक है, तो आपको सारी प्रोसेस समझ में अगर नहीं आए तो वीडियो फिर से आप देख सकते हैं और कन्फर्म हो सकते हैं। तो चलिए हम इसे यहाँ पर करते हैं क्लोज। तो फ्रेंड्स, देखा आपने इस तरीके से आप अपने क्लब फैक्ट्री का जो पैसा होता है वो उसे आप अपने बैंक अकाउंट या पेटीएम में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सारी प्रोसेस मैंने आपको बता दी है, कैसे प्रोडक्ट की डिटेल आपको शो की जाती है कि आपका कौन सा प्रोडक्ट था, वो कितने रुपए का था, इसका कितना पैसा आपको वापस मिलेगा और रिफ़ंड हुआ है या नहीं, ये कन्फर्मेशन मैसेज भी आपको दिया जाता है। सारी स्टेटस आपको अपने क्लब फैक्ट्री के ऐप में जहाँ से आप ऑर्डर करते हैं आपके ऑर्डर समरी में आपको पूरा शो किया जाता है कि आपके प्रोडक्ट का अभी का जो करंट का स्टेटस है वो क्या है। ठीक है, तो आप बिल्कुल इस वीडियो को अगर समझ नहीं पाए तो फिर से आप इसे देखिए और अपने जो पेमेंट प्रोसेस है उसको बारीकी से समझ लीजिए ताकि आगे आपको कोई भी दिक्कत ना हो पेमेंट अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की। तो यही वीडियो आज आपको बताने के लिए बनाई गई है। अगर आगे कोई अपडेट आता है क्लब फैक्ट्री से रिलेटेड तो मैं आपको बताऊंगा और आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।